गुड इवनिंग ऑल, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? ओके, स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ होमवर्क्स दिए थे, आप लोगों ने किए? मैंने आपको होमवर्क दिया था यार कि सीपी और सीवी ग्रेटर देन होता है, इसको प्रूफ करना है। आप लोगों में से ओके, राइट नाउ स्क्रीन इज विजिबल? ओके, देयर इज सम टेक्निकल इश्यूज इन माय लैपटॉप। ओके, नाउ फाइन। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने आपको ये दिया था प्रॉब्लम, देखिए ये बहुत आसान है, इसको आप लोग कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्या दिया था देखिए, प्रूफ दैट सीपी माइनस सीवी ग्रेटर इक्वल टू आर। आप लोगों में से किन्हों ने किया? देखिए आप लोग जब तक अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोगों का क्लास संडे और सैटरडे ही होता है, तो और 2 आवर्स आपको वीक में 3 आवर्स होते हैं 1 आवर्स एप्टीट्यूड के, उसके अलावा तो आपके पास आई थिंक टाइम ही टाइम है। तो मैं जितना आपको देता हूँ, क्योंकि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं इसलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको ध्यान दे रहा है, ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखिए इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि सीपी ग्रेटर देन सीवी कैसे है, आप समझ पा रहे हैं ना, ये इंटरव्यू पॉइंट का क्वेश्चन है, ये जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप इसरो का इंटरव्यू करें, BARC का इंटरव्यू दें, EAC का इंटरव्यू दें, तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बेसिकली मैं देता हूँ आपको खुद से करने के लिए, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, इसको प्रिपरेशन आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप लोग करते होंगे, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चंस मैंने लिए थे, ओके। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, 2 प्रॉब्लम्स किए थे, और एक और क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, वो लास्ट में देखेंगे। उसके बाद हमारा 3rd क्वेश्चन है, उसको देखने से पहले कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, बेसिकली थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बाद हम लोग आज न्यूमेरिकल ही करेंगे, ओके। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, देखिए आप लोग 12th में पढ़े होंगे PV = nRT, आप शायद इस टाइप का पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, मोल कंसेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं PV = nRT। इसमें जो R दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा, मेरी वॉइस आ रही है आपको? ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो एक्चुअली में जो PV = mRT और PV = nRT ये कुछ नहीं है, सिंपल सा
दोनों सेम ही इक्वेशन है, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सिर्फ इसमें क्या होता है, जो एन जो होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम लोग आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता था, मास बाई फॉर्मूला मास। अगर हमारे पास सपोज NaCl है, NaCl का मोलिक्यूलर वेट मान लीजिए कुछ होता है, मोलिक्यूलर वेट इसका कुछ m है मोलिक्यूलर वेट, और NaCl का आप अगर आप क्वांटिटी लेते हैं कुछ 1 ग्राम 5 ग्राम, तो 5 बाई मोलिक्यूलर मास जो आप इसको करेंगे ये क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल आएगा। क्लियर है? तो इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, ये तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था, उसी का हम लोग एक्सटेंशन देखते हैं कि इसको मास के फॉर्म में पढ़ते हैं हम लोग अपने थर्मोडायनेमिक्स में। क्लियर है? तो हमारा जैसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं पीवी बराबर एम आर टी, जिसमें आर का वैल्यू क्या होता है, इसमें आर का वैल्यू होता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट बाई मोलिक्यूलर वेट। आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है? और यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का वैल्यू होता है 8.314 जूल मोल केल्विन। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। चलिए, इसके बाद एक हमारा कंसेप्ट आता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कि कोई किसी भी टाइप के प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल ओपन फ्लो। ओपन फ्लो में, ओपन फ्लो आप लोग जानते होंगे, ओपन फ्लो में जैसे हो गया फ्लो थ्रू पाइप्स, अगर सपोज आपका पाइप से कोई फ्लूड पास हो रहा है, क्लियर है, और इस फ्लूड का अगर एक पॉइंट पे प्रेशर टेम्परेचर वेलोसिटी दिया हुआ है, और सेकेंड पॉइंट पे भी प्रेशर टेम्परेचर, और सपोज आपको वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से वो सारे अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे ये आपका एक क्लोज ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम का ये कंट्रोल वॉल्यूम है। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, वैसा एक सिस्टम का क्षेत्र, जैसे हमारे पास सपोज हमारे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम में एक ऐसा वॉल्यूम हम लोग इमेजिनरी वॉल्यूम मानते हैं, जिसमें कि एक तरफ से मास आ रहा होता है, दूसरे तरफ मास जा रहा होता है। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है, और जो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के बाद एक हमारा फाइनल इक्वेशन निकलता है, जिसका फाइनल मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, जिसमें H1 क्या है, H1 इंथैल्पी है एट पॉइंट दिस, ये जो आपका पॉइंट वन है इसका यह इंथैल्पी है, और सेकेंड पॉइंट पे क्या है, सेकेंड पॉइंट का इंथैल्पी है, एक्चुअली फ्लूइड का इंथैल्पी होता है, यहाँ पे फ्लूइड का इंथैल्पी कितना है ये हम लोग जज करते हैं। उसके बाद C1 स्क्वायर बाई 2 क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे C1 क्या है, वेलोसिटी है। Z1G क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल, आप लोग पोटेंशियल जानते होंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और क्यू क्या है, इस सिस्टम पे हम लोग एक्सटर्नली कितना हम लोग हीट दे रहे हैं या कितना रिजेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे बताया गया होगा। आई थिंक ये क्लियर होगा। और इसके बाद ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है, ये कितना वर्क कर रहा है या इस पे हम लोग कितना वर्क कर रहे हैं, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो फाइनली ये आपका इक्वेशन यूज होगा किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो कि ओपन फ्लो या क्लोज सिस्टम में भी, जैसे कि इससे क्या होता है, इस इक्वेशन से आप क्लोज सिस्टम का भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये फंडामेंटल इक्वेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। ओके, ये इक्वेशन आपको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। इसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स हैं आपको जानना है, ये कहाँ पे यूज करेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हो, दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो, हम लोग उसमें इसका सिंपली यूज करके कोई भी अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, जैसे कि आप लोग आगे पढ़िएगा, नोजल्स पढ़ेंगे, डिफ्यूजर पढ़ेंगे, टर्बाइन पढ़ेंगे,
कंप्रेशर पढ़ेंगे, बॉयलर एंड थ्रोटलिंग डिवाइसेस एंड कंडेंसर, इन सारे जो डिवाइसेस हैं इसमें इसका यूज है। कैसे यूज है इसको हम लोग धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। आपको फाइनली ये आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है, इसका कैसे हम लोग यूज है इसको अब हम लोग तुरंत देखेंगे। क्लियर है? देखिए नोजल्स के बारे में पढ़ते हैं। नोजल्स क्या होता है? नोजल्स एक्चुअली में सपोज आपके पास ये आपका नोजल है, क्लियर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग नोजल का यूज करते हैं। अगर सपोज आपके पास ये वाटर टैंक है, क्लियर है, वाटर टैंक है और वाटर टैंक में वाटर है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसका जो हमारा फ्लूइड आए, अगर किसी किसी कोई हमको वर्क करना है और उसमें हमको हाई वेलोसिटी का वाटर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे नोजल का यूज करते हैं। क्लियर है? तो नोजल का यूज करेंगे तो देखिए सपोज ये आपका नोजल है, इसको पॉइंट वन मानते हैं और इसको पॉइंट टू मानते हैं और यहाँ पे स्टडी फ्लो इक्वेशन सिंपली हम लोग लगाते हैं, ठीक है, J1G प्लस Q इक्वल टू H2C2² / 2J2G प्लस W। देखिए ये जो नोजल है इस पे ना तो हीट ट्रांसफर हो रहा है ना ही कुछ वर्क डन कर रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नोजल सिंपली क्या कर रहा है, यहाँ का वेलोसिटी C1 है तो यहाँ पे C2 में कन्वर्ट कर दे रहा है, ना ही इस पे कोई हीट इंटरेक्शन हो रहा है ना ही वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, तो हीट इंटरेक्शन भी जीरो हो जाएगा, वर्क इंटरेक्शन भी जीरो हो जाएगा। और देखिए ये दोनों होरिजेंटल पोजिशन पे है, जो पॉइंट ये इतना डिस्टेंस पे है उसी तरह इसका अगर ये 5 मीटर हाइट पे है तो ये भी कितने मीटर हाइट पे है, 5 मीटर हाइट पे है, तो ये दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ओके। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज C1 का वैल्यू जीरो रख लेते हैं, क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए आपके पास एक वाटर टैंक है, अगर आपके पास वाटर टैंक है, अगर ये वाटर टैंक के बगल में आप नोजल लगाते हैं तो यहाँ का वेलोसिटी बहुत कम होता है, नेगलिजिबल होता है, ओके। तो इसको हम लोग C1 का वैल्यू जीरो मान लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, तो H1 इक्वल टू हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो फंडामेंटल इक्वेशन हुआ, इसमें हमने C1 को नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, C1 का वैल्यू नेग्लेक्ट नहीं करना होगा, वहां पे आपको एक्चुअली में C1 का वैल्यू दिया रहेगा, आपको वहां से इस इक्वेशन में C1 का वैल्यू पुट करना है, फिर आपको इसको कैलकुलेट करना है, इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, इसका हम लोग देखेंगे, बस आपको 10 मिनट और रुकना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए आपको कोई इक्वेशन याद नहीं रखना, ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है, ये फाइनल इक्वेशन रखिएगा, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। मैं 100% की तो गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 90% आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 10% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कुछ अलग कंसेप्ट उसमें लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो बेसिकली आप इसको ध्यान में रखें, इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। चलिए अब देखिए आपके पास एक टर्बाइन है, टर्बाइन में क्या होता है, टर्बाइन एक्चुअली वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, इससे हम लोगों को वर्क मिलता है। इसमें टर्बाइन में एक्चुअली क्या होता है, इसमें इसका हम लोग लाइन डायग्राम दिखा रहे हैं, एक तरफ से हाई स्टीम प्रेशर आता है, ठीक है, इसमें हाई स्टीम प्रेशर आता है और उसके पास इतना एनर्जी होता है कि स्टीम टर्बाइन को घुमाता है और घुमाने से हमको सॉफ्ट वर्क मिलता है और उस सॉफ्ट वर्क को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अपने वर्क में ट्रांसफर कर लेते हैं गियर मैकेनिज्म के द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम लोग स्टडी फ्लो इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो हमको क्या करना है, स्टडी फ्लो इक्वेशन लिखना है, उसके बाद आप अपनी आप कंक्लूजन पे पहुंच जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए इससे तो हम इसमें तो ये इंसुलेटेड है, जो हमारा ये टर्बाइन होता है इसको इंसुलेटेड रखते हैं, क्यों इंसुलेटेड रखते हैं, ताकि मैक्सिमम वर्क मिल सके, ओके। मैक्सिमम वर्क मिलने के लिए हम लोग इसको इंसुलेट करते हैं। अब देखिए
इसमें Z1 Z2 कैंसिल हो जाएगा, इंसुलेशन का मतलब क्या हुआ, Q जीरो हो जाएगा, और इसमें क्या होता है, हमारा जो एंट्री यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको भी नेगलेक्ट करते हैं, इसको भी नेगलेक्ट करते हैं, क्लियर है। तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाता है H2 - H1 इक्वल टू वर्क, जो हमारा टरबाइन का वर्क होगा वो H1 - H2 के बराबर होगा। H1 H2 क्या है, इंथैल्पी है, यहाँ पे आपका इंथैल्पी दिया रहेगा, ठीक है ना। वन और पॉइंट वन एंड टू पॉइंट पे आपका इंथैल्पी का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। और आपने स्टीम टेबल देखा होगा आई थिंक, तो स्टीम टेबल में भी बहुत सारे वैल्यू, H1 का वैल्यू, H1 इंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे आपने देखे होंगे, आपने स्टीम टेबल अगर आपके पास होगा तो, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज आपके क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, आपको सिर्फ इक्वेशंस को लगाना है और क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, ओके। अब देखिए, एक हमारे पास स्टडी फ्लो डिवाइस होता है जिसका नाम है कंप्रेशर। कंप्रेशर क्या होता है, कंप्रेशर एक्चुअली में इसका वर्क है कि सपोज कभी कभी जैसे कि हमारे पास फोर व्हीलर है, ठीक है। फोर व्हीलर में अगर आप एयर फिल कराते होंगे उसके टायर में, और जो मैकेनिक होता है उसके पास एक बहुत बड़ा सिलेंडर होता है, ठीक है। उस सिलेंडर में वो एक्चुअली में पहले से एयर इसमें रखा रहता है, कंप्रेस्ड एयर रखा रहता है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर क्यों रखा रहता है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा और इस टायर का प्रेशर कम होगा, तो इस कंप्रेस्ड एयर इस टायर को फिल कर देगा, समझ पा रहे हैं ना। तो जो हम लोग सपोज आप लोग देखे होंगे कि पेट्रोल और डीजल डीजल इंजन की हेल्प से पहले वो क्या करता है, इस कंप्रेसर की हेल्प से इस टंकी को फुल करता है, आप लोग देखे होंगे अपने आसपास में। तो एक्चुअली में वो कंप्रेशर रहता है। कंप्रेशर का क्या वर्क है, कंप्रेशर का वर्क यही है कि लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कंप्रेस्ड एयर जो होता है इसको उसको बनाने की, ये कंप्रेशर वर्क करता है। हाई प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करने में उसका हेल्प करता है, कंप्रेशर का यही वर्क है, क्लियर है। इस यह भी क्या है, इसमें हमको एक्चुअली में वर्क मिलता है, टरबाइन में वर्क मिलता है, लेकिन कंप्रेशर में हमको वर्क देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग आप देखे होंगे कि जनरेटर की हेल्प से हम लोग इस टंकी को फिल करते होंगे, ठीक है ना। जब आप लोग देखेंगे या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इस टंकी को फिल किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दे रहे हैं, यानी हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी लग रहा है, यानी हम लोग जो वर्क दे रहे हैं उसके लिए हम मनी लग रहा है, समझ पा रहे हैं ना। इसमें क्या हो रहा है, टरबाइन में वर्क मिलता है हमको, लेकिन इसमें क्या होता है, वर्क देना पड़ता है। आई थिंक टरबाइन और कंप्रेशर का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, बेसिकली यही डिफरेंस है, क्लियर है, ओके। इसके बाद हमारा एक थ्रोटलिंग डिवाइस होता है, आई थिंक यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कंप्रेशर और टरबाइन में क्या डिफरेंस है और आपको क्या क्या करना है। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, देखिए जब भी मैं वीक में 2 डेज ही क्लास लेता हूँ, इसके अलावा आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड बुक आपको साथ में प्रीफर करना है, और आपको थ्योरी और क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, खुद से मेहनत करना है, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पे आपको सपोज ABCD में बता दिया, लेकिन वर्ड फ्रेम आपको ही करना है, क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं ना। अब मेहनत आप ही को करना है, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें किसी भी क्लास में कवर नहीं हो पाती हैं, इसलिए आपको बुक प्रीफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा। चलिए, इसके बाद एक हमारा होता है थ्रोटलिंग डिवाइस। ये क्या होता है, ये मेरे को नया समझ में सुनने में आ रहा है, तो देखिए इसको समझेंगे एक्चुअली में ये क्या है थ्रोटलिंग डिवाइस, इसका वर्क क्या है, इसका एप्लीकेशन में वर्किंग दिखेंगे। जैसे इसका आपका यूज RAC में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में दिखेगा, और लेकिन इसको पढ़ना है हमको थर्मोडाइनेमिक्स में, क्योंकि बेसिक आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। देखिए थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या है, सबसे पहले तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, ये आपको जानकारी रखना है। देखिए फ्लो थ्रू ए वेरी स्मॉल ओपनिंग,
देखिए, अगर ये फ्लूइड का पाइप है और सपोज यहाँ पे एक डिवाइस है जिसको थ्रोटलिंग डिवाइस बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, यानी छोटे छोटे इसमें क्या है, होल्स हैं, और इस होल्स से क्या होगा, अगर फ्लूइड जा रहा है, अगर सपोज यहाँ से एयर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है एयर, तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग डिवाइस बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इसमें बहुत छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, या पोरस प्लग्स बोलते हैं, क्लियर है, क्लियर है। या एक आप लोग थ्रोटलिंग डिवाइस का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, जब ये वाटर टैंक है, सपोज वाटर टैंक है, और वाटर टैंक में आप देखे होंगे जब यहाँ से वाटर निकलता है तो एक यहाँ पे वाल्व लगा रहता है, देखे हैं आप लोग, आपने वाल्व देखा है जिसको हम लोग उसकी हेल्प से वाटर का फ्लो क्लोज कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, आपने देखा है, बताइए। जो वाटर टैंक हो, तो एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, इसको 100% हम लोग ओपन रखते हैं, ठीक है, इसको 100% हम लोग ओपन रखते हैं। अगर हम लोग क्या करें, इसको 50% 30% ओपन रखें, फ्लो को कम करें, समझ पा रहे हैं ना, उसको क्या करें कि उसको 100% नहीं करके 30% 40% रखें, तो क्या होगा, पार्शियली ओपन वाल्व हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, पार्शियली ओपन वाल्व। उस समय क्या बोलेंगे, उस समय यह डिवाइस किसका वर्क करेगा, थ्रोटलिंग डिवाइस का वर्क करेगा, आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्लियर। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं, थ्रोटलिंग डिवाइस का, थ्रोटलिंग डिवाइस का साइज बहुत छोटा होता है, क्लियर है। मैं आपको रुक जाइए, मैं आपको थ्रोटलिंग डिवाइस दिखाता हूँ, आप लोग वेट कीजिए। वेट कीजिए, हम मैं आपको थ्रोटलिंग डिवाइस दिखाता हूँ। देखिए, आपके स्क्रीन पे एक डिवाइस दिख रहा होगा, क्लियर है, देखिए यहाँ पे आपने इस तरह का कहीं देखा है डिवाइस कभी, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बताइए। मैं आपको पूरी तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थ्रोटलिंग डिवाइस एक्चुअली में होता क्या है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट नहीं है, रियल में एग्जिस्ट होता है ये। आप यस, इसको रेफ्रिजरेटर में हम लोग, जब उसके पीछे रेफ्रिजरेटर के पीछे में बहुत छोटा सा डिवाइस होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं, और इसका यूज क्यों करते हैं ये हम लोग रेफ्रिजरेशन चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। ये बहुत स्मॉल डिवाइस होता है, इसमें देख रहे हैं ना, इसमें पोरस प्लग है, मतलब बहुत छोटा सा होल होगा इसमें, और इसका साइज बहुत छोटा है, क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिकल डिवाइस है जिसका हम लोग यूज करते हैं। चलिए, अब कुछ इसके बारे में जानेंगे कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, इसका नो हीट ट्रांसफर, ये आपको जानना है, इस सिस्टम से कितना हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि अगर यहाँ से कोई फ्लूइड जा रहा है और बाहर आ रहा है, यह इतना ना छोटा डिवाइस है कि इसको टाइम ही नहीं मिलेगा, किसको टाइम नहीं मिलेगा, फ्लूइड को, कि अपना हीट रिलीज कर सके, और हीट रिलीज भी करेगा तो नेग्लिजिबल करेगा, बहुत कम मात्रा में करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो होगा, आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज के कारण क्या होगा, यह इतना ना स्मॉल साइज होता है कि ये अपना हीट ट्रांसफर ही नहीं कर पाता है उस टाइम पे,
ठीक है, नो वर्क ट्रांसफर। अब बताइए इसमें कुछ ये वर्क कर रहा है, ये तो वर्क अब दिख रहा है, ये कुछ वर्क कर रहा है कि हमको कुछ इससे पावर मिल रहा है क्या, बता सकते हैं? इससे तो ना ही हम लोग पावर दे रहे हैं ना ही ले रहे हैं, क्लियर है? इसको ना ही हम लोग वर्क दे रहे हैं ना ही वर्क ले रहे हैं, तो इसका वर्क ट्रांसफर भी क्या होगा? जीरो होगा, सिंपल सी बात है। देखिए, और एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं होता है, वर्क होता है, लेकिन वो वर्क क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि प्रेशर ड्रॉप हो, जैसे यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए 5 है और यहाँ पे 3 है, तभी तो ये फ्लो कर रहा होगा। और जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? प्रेशर ड्रॉप के कारण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप है ना, इसके कारण यहाँ पे थ्रोटलिंग प्रोसेस हो रहा है। और इसीलिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि थ्रोटलिंग ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ड्रॉप, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है कि थ्रोटलिंग कब होता है, जब प्रेशर ड्रॉप होता है उस समय ही थ्रोटलिंग पॉसिबल है, ठीक है? और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है? और ये आइसेन इंथैल्पी प्रोसेस है। आइसेन इंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा। इस पॉइंट पे जो H1 का वैल्यू है, इस पॉइंट पे जो H1 का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे अगर H1 का वैल्यू सपोज 5 है तो यहाँ भी H1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 रहेगा। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इक्वल टू लगभग सेम होता है, क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं, नो हीट ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर एंड इंथैल्पी इज कांस्टेंट, क्लियर है? आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो देखिए मैं आपको कुछ, आपको इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट डे अगले सैटरडे को हम लोग क्या देखेंगे, आज इंट्रोपी, इंट्रोपी जनरेशन, रिवर्स सेकेंड लॉ नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, सेकेंड लॉ। और उसके बाद देखिए मैं आप कुछ बेसिकली मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंट्रोपी पढ़ेंगे, उसके बाद कार्नोट साइकिल, कार्नोट थ्योरम पढ़ेंगे। ये आप लोग बेसिकली आप लोग पहले से पढ़ के रखिएगा क्योंकि आपके पास 5 डेज का टाइम मिलेगा, ठीक है ना? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है, आप लोग बेसिकली कम से कम बुक को रीड कीजिएगा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा जितना मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है? चलिए तो एक और छोटा सा पॉइंट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर आपको डिराइव करना है, ये वर्क जो होता है -VDP होता है, ये होमवर्क आपका है, क्लियर है? तो मैंने आपको कितने होमवर्क्स दिए? देखिए फर्स्ट होमवर्क ये है जो आपने नहीं किया, जो कि आज करना है। सेकंड है आपका प्रूफ दैट CP -CV इक्वल टू R, क्लियर है? टू क्वेश्चंस हो गए। और थर्ड क्वेश्चंस क्या हो गए आपके? इस क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चंस हो गए, ये क्वेश्चन है, क्लियर है? तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। देखिए इसको आपको करना है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोग करते होंगे। देखिए ये नहीं, आप अगर ये आपका कंसेप्ट नहीं समझ में आता हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो बेसिकली आप इसको कम से कम एक बार लिखिए नोटबुक पे, इसको आपको एक बार लिखना है और उसको बुक से ही देख कर लिखिए तो कुछ आइडिया मिलता है। देखिए कुछ आइडिया मिलेगा, अगर आप 100% नहीं समझ पाए तो 20% तो समझ ही पाएंगे, ठीक है ना? 30% समझ ही पाएंगे। तो ये आपको करना है, और अगर आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे इसका सॉल्यूशन तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? अगर आप लोग तो होमवर्क करके भेजते हैं तो मेरे को अच्छा लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन को देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम देता हूँ। क्वेश्चंस विजिबल है आप लोगों को? क्वेश्चन विजिबल है? ओके, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। नहीं बनेगा कोई बात नहीं,
अप्रोच कीजिएगा तो कुछ ना कुछ आप सीखिएगा कि आपने क्या गलतियां की हैं। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं 3 मिनट्स का। मैंने टाइमर लगा दिया है ताकि आप लोग देख सके। टाइमर आपको दिख रहा है ना? ओके, इसको सॉल्व कीजिए। आप 3 क्वेश्चन को ही सॉल्व कीजिए। 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी के लिए मैंने 3 मिनट्स टाइम दिए आपको। आपको 4 नहीं सॉल्व करना है क्योंकि 3 मिनट में सॉल्व नहीं होगा 4। तो आप आराम से कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो कुछ तो कीजिए उसमें, कुछ तो आपको समझ में आएगा। ओके कुणाल, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने कम से कम आंसर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, टाइम अप। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसको सीखेंगे पहले, ठीक है? इसको सीखेंगे। ओके, वेरी गुड, आप इनका आंसर 0.72, वेरी गुड। चलिए, सनसिल का आई थिंक आंसर सही है, इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। कुणाल, आपने भी आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। इसमें आपको देखना है आपने गलती क्या की, यही आपको सीखना है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में देखिए प्रेशर और एक लार्ज रिजर्वायर है, ये पॉइंट, ठीक है? इसको पॉइंट 1 देता हूँ, इसको पॉइंट 2 मैं मान लेता हूँ, ठीक है? और इसमें आपको बेसिकली डेंसिटी पूछा गया है। देखिए, आपको मालूम होगा कि डेंसिटी, एयर का डेंसिटी चेंज होता है टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। देखिए, यहाँ का प्रेशर कुछ और होगा, यहाँ का प्रेशर कुछ और होगा, टेम्परेचर कुछ और होगा, प्रेशर कुछ और होगा। अगर ये फ्लूइड रहता, सपोज आपका फ्लूइड रहता, वाटर रहता, फ्लूइड मींस फ्लूइड में प्रेशर भी आ जाएगा, वाटर भी, यानी आपका लिक्विड रहता, तो लिक्विड में टेम्परेचर चेंज बहुत कम होता है। क्लियर है? टेम्परेचर चेंज बहुत कम होता है, एयर के केस में टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ का पूछा गया है,
हमसे डेंसिटी यहाँ का पूछा गया, एक एग्जिट नोजल के बाहरी हिस्से में यहाँ से जो फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, ये मैंने आपको इक्वेशन दिया हुआ है, और मैंने बताया है PV बराबर MRP, PV बराबर MRP, क्लियर है, ये आपने देखा होगा। अब देखिए आपको मालूम होगा कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास बाई डेंसिटी, मालूम है, सॉरी डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास बाई डेंसिटी लिख सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को लिख सकते हैं इस P2। चलिए ठीक है, दोनों तरफ m m का पावर गामा, m m का पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, और हमको P1 गामा इजकल टू, अब देखिए यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, रो 2 का वैल्यू सिंपली निकाल लेंगे, P2 बाई P1 1 बाई गामा इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी 1। अब देखिए ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है, ये आपका इक्वेशन मिल गया, रो 2 का इक्वेशन, जिसमें P2 और P1 मालूम है, गामा भी मालूम है आपको, ठीक है, गामा का वैल्यू आई थिंक गामा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 1.4, लेकिन रो 1 नहीं मालूम है, ठीक है, रो 1 नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग PV बराबर MRP का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एम बाई V1 इजकल टू PRT1 लिख सकते हैं, और एम बाई V1 को क्या लिख सकते हैं, रो 1 लिख सकते हैं, और P1 का वैल्यू देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, आई थिंक 3 बार, 3 × 12 का मतलब होता है 10^5 इंटू और 2.86, और T1 का वैल्यू भी आपका दिया हुआ है 400, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो रो 1 का वैल्यू कितना आएगा आप बता सकते हैं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेटर की हेल्प से, 5 आई थिंक ये आ रहा है 2.61, 3 × 2 इसका ये रो 1 का वैल्यू आ रहा है, इसको लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, बेसिकली आपको यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद हमको क्या, रो 1 का वैल्यू मिल गया, और हमको क्या था, ये रो 2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो रो 2 का वैल्यू हमने क्या किया है, P2 का वैल्यू कितना है, देखिए P2 का वैल्यू भी दिया हुआ है, आई थिंक 50 किलो पास्कल, 50 किलो पास्कल, और 3 बार का मतलब होता है 300 किलो पास्कल, गामा 1/1.4 इंटू 2.6132, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ओके, तो यस आपका इशू, ओके मैं आपका प्रॉब्लम देखता हूँ क्या है, ओके इनिशियल इक्वेशन यूज फॉर एडियाबेटिक फ्लो, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं आप, ओके तो देखिए यहाँ पे आइसोइंट्रोपिक फ्लो दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है, इसको एडियाबेटिक फ्लो भी बोलते हैं, आई थिंक आपको क्लियर होगा, आइसोइंट्रोपिक फ्लो को एडियाबेटिक फ्लो भी बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा इसके टू, ठीक है, क्लियर हुआ अब, ओके तो इसका सिंपली हम लोग इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, इसमें टू ही इक्वेशन यूज किया हमने, इसका ये इक्वेशन यूज किया और पीवी बराबर एमआरडी का यूज किया, और हमारा आंसर आ गया, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ये बनाना है, क्वेश्चन 4 बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन 4 भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको
टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको कर कीजिए, इसको क्वेश्चन 4 को आपको करना है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन 4 आप लोग बनाइए। क्वेश्चन 4 एक्चुअली में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, टाइम अप। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको आपको ध्यान में रखना है। ये टू क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आपको घर पर भी प्रैक्टिस एक बार दो बार तीन बार जितना टाइम से आप कर सकते हैं इसको करना होगा, क्योंकि बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं। इस ओपन फ्लो नोजल्स डिफ्यूजर्स इन सबसे रिलेटेड, क्लियर है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे हम। चलिए किन्हीं का आंसर आया अभी तक? ओके, कोई बात नहीं, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपको मास फ्लो रेट आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर सेकेंड कितना मास फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पर सेकेंड कितना मास फ्लो हो रहा होगा वही हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो मास फ्लो हो रहा होगा वही यहाँ पर भी हो रहा होगा। देखिए मास सेम है, वॉल्यूम अलग अलग है। देखिए यहाँ का वॉल्यूम अलग है, यहाँ का वॉल्यूम अलग है, लेकिन मास क्या होगा, मास जो हमारा है सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम में ना तो कोई मास ये ना तो ही स्टोर कर रहा है नहीं रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर यहाँ पर 5 kg पर सेकेंड जा रहा होगा तो यहाँ से 5 kg पर सेकेंड आ रहा भी होगा, क्लियर है इसके पीछे का कंसेप्ट। चलिए तो देखिए आप लोग मास फ्लो का इक्वेशन जानते होंगे, रो ए बी,
ये एक्चुअली में कहां से आया इसको आपको ध्यान में रखना है। वी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है ठीक है, लेकिन वी को मैं सी लिखता हूँ, कंफ्यूजन दूर नहीं हो, वी वॉल्यूम है या वेलोसिटी है, तो यहाँ पे सी क्या है हमारा, वेलोसिटी है। देखिए मास फ्लो रेट तो दोनों जगह सेम होगा, क्या लिखेंगे, रो वन ए वन सी वन इक्वल टू रो टू ए टू सी टू। देखिए ये सिंपली कुछ नहीं है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, जानते हैं ना मास बाई वॉल्यूम, और मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिखा जाता है ए वन वी वन, वी वन मीन्स सी वन, एक्चुअली में ये क्या है सी, मतलब सी क्या है, वेलोसिटी है। देखिए यहाँ से ये वॉल्यूम हो जाएगा, देखिए एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम फ्लो रेट का मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ से देख रहे हैं ना वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी वन लिख सकते हैं, क्लियर है। तो मास को हम लोग डेंसिटी, मास अगर फाइंड करना है तो मास इंटू वॉल्यूम डेंसिटी, सॉरी मास को अगर हमको निकालना है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, और उसकी हेल्प से हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए इसको निकालेंगे कैसे, चलिए यहाँ पे मास फ्लो रेट, और आप लोग जानते होंगे पीवी बराबर एम आर टी, और एम का वैल्यू होता है पीवी बाई आर टी, ये इक्वेशन भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखिए सबसे पहले इस मास फ्लो रेट में हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, क्लियर है। तो हम क्यों नहीं हम लोग टेम्परेचर फाइंड करते हैं, कहाँ का टेम्परेचर, इस पॉइंट का एग्जिस्ट टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। देखिए आपको मालूम होगा टी टू बाई टी वन इजकल टू पी टू बाई पी वन गामा माइनस वन गामा, ठीक है, और टी टू का वैल्यू मैंने दिया है, टी वन का वैल्यू दिया हुआ है, पी वन पी टू का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टी वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी वन का वैल्यू 400 केल्विन, और पी टू का वैल्यू 50 दिया हुआ है, और पी वन का वैल्यू 300 दिया हुआ है, गामा कितना है 1.4 माइनस 1 बाई 1.4। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो टी टू का वैल्यू कितना आएगा, टी टू का वैल्यू आपका आएगा 239.7 केल्विन। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस इक्वेशन का क्यों यूज किया, क्योंकि ये मैं आपको इक्वेशन बताया हूँ, मैं आपको शायद मैं बताता हूँ कहाँ बताया हूँ, देखिए यहाँ ये इक्वेशन बताया हूँ ना आपको, देखिए इक्वेशन बताया हूँ ना, इसी इक्वेशन का हमने यूज किया है, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा, क्लियर है, क्लियर है, बताइए। ओके चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी टू का वैल्यू फाइंड हो गया, टी टू का वैल्यू हमको मिल गया, टी टू का वैल्यू मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मास निकालेंगे, मास क्या है हमारा, मास का फॉर्मूला भी दिया था हमने, पी भी बाई आर टी, ठीक है। देखिए पी तो मालूम है, वी कैसे मालूम चलेगा, वी क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं ए सी, ए सी क्या है, यहाँ पे ए एरिया है, सी क्या है आपका वेलोसिटी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एरिया भी दिया हुआ है, कहाँ का एग्जिट एरिया, देखिए एग्जिट एरिया दिया हुआ है ना, एग्जिट एरिया कितना है 0.005 मीटर स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या
स्टडी फ्लो इक्वेशन यूज करेंगे। देखिए स्टडी फ्लो इक्वेशन यूज करेंगे, स्टडी फ्लो इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया था, एच वन सी वन स्क्वायर बाई टू जेड वन जी प्लस क्यू इजकल टू एच टू जो सी टू स्क्वायर बाई टू जेड टू जी प्लस डब्लू। देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि वहां पे एस्टेटिक है, इसके बाद क्या होगा हमारा क्यू भी जीरो है, हीट इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा और वर्क भी नहीं हो रहा है, तो हमारा सी टू क्या हो जाएगा, सी टू हो जाएगा एच वन माइनस एच टू, क्लियर है, एच वन माइनस एच टू, ठीक है। अब देखिए सी टू स्क्वायर बाई टू, एच वन का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं सीपी सीपी टी वन माइनस टी टू, और सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीपी का वैल्यू आई थिंक क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, देखिए सीपी अगर नहीं दिया हुआ है तो सीपी का वैल्यू होता है 1.005 इंटू 10 ये हो जाएगा 10 टू पावर 3, और टी वन का वैल्यू दिया हुआ है 400 माइनस, और टी टू का वैल्यू हमने तुरंत निकाला था थोड़ी देर पहले, समझो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, सी टू स्क्वायर बाई टू इजकल टू, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सी टू का वैल्यू आएगा कितना आएगा, सी टू का वैल्यू आएगा आपका, सी टू का वैल्यू आएगा, कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, आई थिंक दिस इज 5.7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आपका है सी टू का वैल्यू आ रहा है। अब एक्चुअली में हमको मास निकालना है, मास निकालना है तो मास में हम लोग क्या करेंगे, मास निकालने का फॉर्मूला में ये है हमारा मास निकालने का फॉर्मूला, तो प्रेशर P2 कितना है, P2 50 है, और एरिया कितना है, देखिए इसको मैं आपको लिख देता हूँ, पी ए सी पी टू ए टू सी टू आर टी टू, और P2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 50 इंटू 0.005 एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, और C2 कितना दिया हुआ है, अभी हमने निकाला 5.67.5, और R का वैल्यू दिया हुआ है 0.287 इंटू T2 का वैल्यू हमने निकाला था। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मास कितना आएगा, 2.06 केजी पर सेकंड, और सिंपली मैं राउंड ऑफ कर दूं 2 केजी पर सेकंड, ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ओके, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, आपको स्क्रीन विजिबल है ना, बताइए आपको स्क्रीन विजिबल है ना, क्योंकि आई थिंक मेरे को लग रहा है थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, आपको लिख रहा है आपको, ओके ओके यस यस, अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज जरूर चैट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, आपको स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है स्क्रीन, ओके राहुल, आपको ये क्वेश्चन मास कैसे निकाले समझ में आया, जीशु संसिल आपको समझ में आया, संसिल ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आपको घर पे करना है, और आप हो सके तो आप प्रीवियस ईयर बुक खरीद लीजिए, बहुत सारे पब्लिकेशंस के आते हैं, कोई भी पब्लिकेशंस के खरीद सकते हैं और उसको बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे
उसमें इससे आसान ही क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। ये जब आप बना लेते हैं तो और सब आपसे आसानी से बन जाएंगे, क्लियर है। और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए एक आपका क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बनाइए। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 आपको विजिबल है। ओके, ये 2012 का क्वेश्चन है, इसको बनाइए, गेट में पूछा गया था। और बेसिकली जो भी रिसेंट में क्वेश्चंस आते हैं इसी पे बेस्ड होते हैं। बेस्ड का मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि कंसेप्ट सेम लगता है, उसमें न्यूमेरिकल डाटा अलग अलग होते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए और इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन 5 का आंसर बताइए आप। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सिंपली आपको स्टडी फ्लो इक्वेशन लगाना है। मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, इसमें सिंपली स्टडी फ्लो इक्वेशन आपको सिर्फ लगाना है, जो मैंने आपको दिया था। क्या दिया था स्टडी फ्लो इक्वेशन? इसका स्टडी फ्लो इक्वेशन मैंने दिया था H1C1Q=H2C2²2Z2G+W। और ये क्या है? एडियाबेटिक नोजल है, एडियाबेटिक नोजल है तो क्यों क्या हो जाएगा, सिंपली जीरो हो जाएगा। और नोजल है तो ये वर्क भी नहीं करेगा, पोटेंशियल भी खत्म हो जाएगा। और क्या है? हाँ देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें C1 का वैल्यू दिया हुआ है। आप इस केस में C1 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक आपको फॉर्मूला डिराइव किया था, उसमें C1 का वैल्यू मैंने नेगलेक्ट किया था। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। देखिए इसमें C1 का वैल्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस केस में, देखिए यहाँ पे मैंने नोजल के केस में यहाँ पे C1 का वैल्यू नेगलेक्ट किया है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। आप स्टडी फ्लो इक्वेशन को याद रखिए और उसी पे क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपली बनाइए इसको। H1 का वैल्यू क्या है? H1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन H1 को मैंने बताया था CpdT। एक्चुअली H1 क्या होता है? MCpdT1 होता है, लेकिन H1/M को क्या लिखते हैं, स्मॉल H1 लिखते हैं और CpdT1 लिखते हैं, क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। देखिए H1 का क्या लिखेंगे हम लोग, CpT1-T2, और C2 का वैल्यू दिया है 180² - 10²/2। ओके वेरी गुड जीशु, ओके वेरी गुड, राइट आंसर, क्लियर, जीशु ने सही जवाब दिया है। देखिए इसको सिंपली स्टडी फ्लो इक्वेशन लगाना है और इसको सॉल्व करना है। इसको एक्चुअली में हमको क्या करना है, चलिए सीपी का वैल्यू दिया हुआ है, आई थिंक सीपी T1 का वैल्यू भी दिया हुआ है। T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 - T2, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखते मैं सॉल्व करता हूँ 180² और जिनसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है वो नहीं घबराएंगे कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसको सिंपली आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या मैं एक्चुअली PDF भी शेयर करता हूँ, तो वहां से आप उसको बनाएंगे, अपने से कोशिश करेंगे बनाने के लिए। और ये लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी रहता है तो वहां से भी आप देख सकते हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप YouTube से भी, दूसरे एजुकेटर का भी देख सकते हैं, बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप में वो इंथुजियाज्म होना चाहिए
वो पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फाइनली मैंने कैलकुलेट किया है, तो T2 का वैल्यू आएगा 485। आपको समझ आया कुणाल? कुणाल समझ आया ये? ओके, वेरी गुड कुणाल। अब देखिए, एक क्वेश्चन है आपका इसी में इंक्लूडेड है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड, व्हाट इज द एग्जिट एरिया? इसको बनाइए, तो एग्जिट एरिया बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, तो एग्जिट एरिया कितना होगा? ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको टू क्वेश्चंस दूंगा जो आपको खुद करना है, और इसका मैं सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टू क्वेश्चंस हैं, 7 और 8। इसको आपको दूंगा, वो कर लेंगे। ये कम से कम 6, एक लास्ट क्वेश्चन बनाइए, लास्ट क्वेश्चन 6 बनाइए, इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। इसमें सिंपली रो 1 A1 C1 कुछ गलत हूँ। ओके, जीशु का आंसर आया 4.44। ओके, देखते हैं क्या आता है आंसर। आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कम से कम अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए, इसको हम लोग रो 1 A1 V1 V1 नहीं लिखेंगे, आप लोग शायद कंफ्यूजन हो जाएंगे। C1 लिखता हूँ वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी को C1 C2 लिखता हूँ, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा A1 C1, और डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, तो इसको V1 लिख सकते हैं। क्यों V1 लिखा? क्योंकि वो क्या हो जाएगा, M/V1 होता है, आपको मालूम होगा। और रो 2 बराबर क्या हो जाएगा, M/V2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा A2 G2, यहाँ पे V2 हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए, PV = MRT होता है, यहाँ से V को क्या लिख सकते हैं, RT/P लिख सकते हैं। क्लियर है? RT/P लिख सकते हैं, तो A1 C1 RT1 P1 = क्या हो जाएगा आपका, A2 C2 RT2 / P2। क्लियर है? अब देखिए, अब टाइम आई थिंक R R कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है, और P1 A1 C1 T1 = P2 A2 C2 / P2। क्लियर है? देखिए, हमने कुछ नहीं किया, एक आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया, और मास बाय वॉल्यूम का डेंसिटी हमने यूज किया, और ये हमने नाइट में भी पढ़ा था, मास बाय वॉल्यूम नाइट में भी पढ़ा था डेंसिटी होता है। क्लियर है? तो नाइन्थ में भी पढ़ा था, उसी का यूज किया, और 12th में PV = MRT पढ़ा था, उसका यूज हुआ, और बीटेक में आपने ये सीखा, सपोज आपने ये सीख लिया, तो इसका यूज हुआ, फाइनली आप गेट का गेट निकल गया। तो सिंपली एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें A1 का वैल्यू दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। क्लियर है? 80 है, तो और प्रेशर P दिया हुआ है, P1 भी दिया हुआ है, तो 80 × P1 कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, और V1 कितना दिया हुआ है, आई थिंक 1 मिनट, C1 यानी C1 आपका दिया हुआ है कितना, 10 है, C1 आपका 10 दिया हुआ है, और आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, C1 और V1 में कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं वॉल्यूम के लिए V लिख रहा हूँ और वेलोसिटी के लिए C लिख रहा हूँ। क्लियर है? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 180 × 100 / 484। देखिए, हमने T2 का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, यहाँ से A2 का वैल्यू आ जाएगा, निकालेंगे तो ये है। क्लियर हुआ जिशु? आपको क्लियर हुआ? ओके, कुणाल आपको, संसिल, राहुल, राज, ओके, तो आपको मैं टू क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन 8, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको सॉल्व करना है आपको। मैं इसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन 7 का, ताकि आप लोगों को आंसर मिला सके, इसका आंसर आएगा
4.5 किलो जूल एंड इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है और अगर आप इसका सॉल्यूशन ग्रुप में भेजेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर नहीं भेज पाएंगे तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये आप लोग कर पाएंगे। देखिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे उसका एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लॉ देखेंगे, उसके बाद इफिशियंसी क्या होता है, सेल्सियस स्टेटमेंट क्या होता है, कार्नोट साइकिल, कार्नोट थ्योरम, और उसके बाद थ्योरी करने के बाद कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं वही न्यूमेरिकल कराऊंगा जो अच्छे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जो ड्यूरेशन है बहुत ड्यूरेशन कम फिक्स किया गया है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि 100 आवर्स में गेट को अच्छे तरह से नहीं किया जा सकता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस जरूर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस ही करेंगे लेकिन अच्छे तरीके से करेंगे, क्लियर है। लेकिन मैं सारा थ्योरी भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं स्पेशली पहले से जितना थ्योरी पार्ट है उसको मैं लिख के रख रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाने में आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो मैं आप पीडीएफ डाल देता हूँ, आप लोग बेसिकली उसको नोट्स बना सकते हैं, लेकिन रेफरेंस बुक जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उसको ऐड कर सके अपने नोट्स में, क्लियर है। क्योंकि आपको 5 डेज का टाइम मिलता है, उसमें आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे एंड करें। अगर कोई आपको फीडबैक देना है तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास में भी आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।